गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ प्लेटफॉर्म 2700 प्लस मैथ का अगला सीरीज और लगभग लास्ट होने वाला है। आज हम लोग देखेंगे 2651 से 2650 तक का एक एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन, फुल कंसेप्ट एंड हर ट्रिक से बताया जा चुका है। जो विद्यार्थी अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं या कुछ बाकी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पूरा वीडियो एक एक क्वेश्चन करके जरूर देख लीजिए। एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं 3200 और 2500। तो जितने भी आपके दोस्त हैं, स्टडी ग्रुप हैं, सबको प्लीज शेयर करिए ताकि सबका बेस्ट तैयारी हो और एग्जाम में सभी को सफलता हासिल हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। वीडियो को अंत तक देखिएगा, यदि कोई परेशानी है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2651। क्वेश्चन ऑप्शन देखिएगा, आपको मिलाते चलना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। धातु के एक टुकड़े की कीमत 360 से बढ़कर हो गया कितना, 432। तो बोल रहा है कीमत का अतिरिक्त प्रतिशत ज्ञात करें, मतलब जो वृद्धि प्रतिशत है वो कितना हुआ। तो वृद्धि हुआ है 360 से, तो उसको नीचे कितना वृद्धि हुआ है। तो बोलिएगा कि सर 360 था, 432 हो गया, यानी 72 के वृद्धि हो गया। कितना के, 72 के। परसेंट के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 100 से 100 36 दुनी 72, हम लोग का आंसर आ गया 20%, यानी अतिरिक्त कितना की वृद्धि हो गया, 20%। ऑप्शन से मिला सकते हैं आप ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2652। देखिए कैलकुलेशन का क्वेश्चन है लेकिन इग्नोर नहीं करना, मैं भी प्रयास किया हूं कि पूरा क्वेश्चन बता दें। 19 गुना 17, उसके बाद है भागा 2, देखिए ब्रैकेट है पहले, फिर एक अंदर में ब्रैकेट है, रूट अंडर 289 भागा 2, फिर ब्रैकेट बंद और पूरे का स्क्वायर, पूरे पर स्क्वायर। तो पहले हम लोग इधर से चलते हैं, इसका हो जाएगा कितना 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता और ये बटा में 2, और ये वाला 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर हो जाएगा। इधर बच गया 19 गुना 17, इधर हो गया 17 है ना, तो ये पूरे पर स्क्वायर है, तो 17 का स्क्वायर मतलब 17 गुना 17 कैंसिल, 17 का स्क्वायर बच गया 19 का स्क्वायर 19 गुना 19 होता है 361। फाइनली हम लोग का आंसर आ गया 361। ऑप्शन से मिला सकते हैं आप, 361 है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2653 देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, पीछे लोग बनाए हैं। एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबर है, देख लीजिए पेन पेंसिल और रबर, इसके संख्या का रेशियो दिया हुआ है 3:2:1 और इसका मूल्य दिया हुआ है पेन का 3 रुपये प्रति पेन, 2 रुपये प्रति पेंसिल और 2 रुपये प्रति रबर दिया हुआ है, और पूरे डिब्बे का खर्च है 720। हम सभी जानते हैं टोटल खर्च की तुलना टोटल खर्च से निकालना है बॉक्स में पेनों की संख्या। तो देखिए 3 गो पेन है 3-3 रुपया, तो 9 रुपया, 2 गो 2-2 रुपया वाला पेंसिल है 4 रुपया, 1 गो 2-2 रुपया वाला रबड़ है 2 रुपया, टोटल यहाँ खर्च 720, यहाँ टोटल खर्च 9 4 13 2 15। निकालना है पेन की संख्या तो 3 से, पेन में खर्च तो 9 से, तो पेन की संख्या निकालना है तो 3 से, 15 से काट देता हूँ, 15 से काटेंगे, 15 चौके 60 बच गया 12 120, 15 8 120, 48 को 3 से गुना करेंगे 144 आ जाएगा, यानी पेन की संख्या होना चाहिए हम लोग का 144। ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2654 बहुत आसान क्वेश्चन, रेशियो का अल्फा और बीटा के आयु का अनुपात है 2:5। आगे बोल रहा है यदि उनकी आयु का योग 315 है, यहाँ 5 2 7 है, योग की तुलना योग से हो गया, उनकी आयु का अंतर पूछ रहा है, तो बोले सर 5 है 2 है, अंतर 3 का, 7 से काट दो 7 चौका 28 बच गया कितना, तो बोले सर 3, तो 3 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 45 को 3 से गुणा करेंगे तो 135, यानी उनके आयु का अंतर कितना होगा 135। ऑप्शन से मिलाइए 135 दिया हुआ आपका अंतर 135, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2655 पर देख लीजिए, विभाजकता का नियम का क्वेश्चन, पहले भी आपको बता दे कि निम्नलिखित में से कौन, ऑप्शन से देखना, 15 से विभाजित, तो 15 से वही विभाजित हो सकता है जो 5 से भी विभाजित हो और 3 से, तो 5 से विभाजकता का नियम क्या होता है, देखिए उसी बारे में विभाजकता का नियम कल 4-3 से बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। अंतिम एक अंक 5 से कट, मतलब कह सकते हैं या अंतिम अंक क्या हो 0, 3 से जिसके अंकों का योग 3 से कटे, अंकों का योग 3 से कटे, चलिए ये कांसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो यहां पे चेक कर लीजिए,
तो बोले एक सर अंतिम में सब के जीरो है तो कंफर्म है, पांच से तो सब घट रहा है, इसका मतलब तीन से कोई एक क्यों घटेगा। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन सिम लाइए, जोड़ते जाइए अंकों को, सात अनु सोलह, सोलह चार बीस, बीस आठ अट्ठाईस, तीन से नहीं कटता है, पहला ऑप्शन कैंसिल। दूसरा छह नौ पंद्रह, पंद्रह चार उन्नीस, उन्नीस छह पच्चीस, भी तीन से नहीं कटता है, कैंसिल। छह नौ पंद्रह चार उन्नीस और आठ सत्ताईस, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा उनहत्तर अड़तालीस जीरो, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए नौ छह पंद्रह, पंद्रह चार उन्नीस और आठ सत्ताईस, तीन से कटता है, अंतिम में जीरो है, पांच से भी कट गया, तो तीन से भी कट गया, पांच से भी कट गया, निश्चित है पंद्रह से कट गया, हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छब्बीस, अपन फिर से देखिए लाइन ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, डबल लाइन ग्राफ है, हालांकि सबसे इसमें सुविधा यह दिया है कि नीचे में भी एक्स और वाई का लिखा हुआ, ठीक है, तो ग्राफ से नहीं भी पता चले तो ऐसे ग्राफ में भी दर्शाया गया है, नीचे भी लिखा हुआ, तो इजी वे में पता चल जाएगा। तो यहां पे बता रहा है, पूछ रहा है ये कि कंपनी एक्स द्वारा वर्ष 2001, कंपनी एक्स का सिर्फ निकालना है, कंपनी एक्स का 2001 और 2002 में निर्मित वाहनों की कुल संख्या, बाई से कोई मतलब नहीं। तो बोले सर एक्स का 2001 में 46 है और एक्स का 2002 में 50 है, वाहनों की संख्या में अंतर पूछ रहा है, तो इसका अंतर पूछ रहा है तो अंतर हो जाएगा चार का, क्योंकि 46 और 50 का अंतर कितना होता है चार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 57, देख लीजिए इजी क्वेश्चन। एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मिलीन को, जर्मिलीन कोई नाम है, चार विषय में चार परीक्षाओं में 75 का स्कोर करना है, औसतन, तो औसत 75 है तो योगफल हो जाएगा 300, 75 गुणे 4 कर दो, उसने पहली तीन परीक्षाओं में कितना कितना, तो 69 प्लस 65 और 61 लाया है, तो बोला चौथी प्रतियोगिता में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा, बोला कि सर चौथी परीक्षा निकालना है ना, तो चारों के योगफल में तीन परीक्षा घटा देंगे, पहले इसको जोड़ दें, 9 5 14 1 15 5 बचा 1 6 1 7 7 6 13 13 6 19 195 घटाते हैं 300 में, तो बच गया 105, यानी कि उसको चौथी परीक्षा में प्राप्त करना होगा 105, ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2658 देख लो, एक दुकानदार ने एक वस्तु 450 में खरीदी और बेचा कितना में, खरीदी मतलब क्रय मूल्य, 450 में खरीदी और बेची मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो बोला है कि सर विक्रय मूल्य बेच रहा है ये कितना में, 360, तो बोल रहा है कि हानि, यही तो बोल रहा है कि हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य 900, तो क्रय मूल्य तो 450, हानि कितना का लग रहा है, तो बोलिए सर 110 का लग रहा है हानि, 40 50 90 का हानि हो रहा है, 90 का कितना का, इससे 90 घटाइए ना, तो 90 का हानि हो रहा है, परसेंट निकालना है, सौ से काट दो भाई, काटते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9 5 45, 5 बार में सुना तो कट ही जाएगा, 20 25 100, कई परसेंट हानि होगा, तो 20% हानि होगा, ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2659 देख लो, करें चतुर्भुजाकार मैदान के भुजाओं का अनुपात, फिर से वही क्वेश्चन, 2:3:4:5, करें परिमाप 700 है, परिमाप मतलब होता है किसी भी आकृति के बाहरी माप, तो यहाँ चतुर्भुज चारों भुजाओं का योग हो जाएगा, तो यहाँ परिमाप 700 है, 2 3 5 5 4 9 9 5 14, तो परिमाप की तुलना परिमाप से, पूछ कर रहा है सबसे छोटी भुजा, तो कैसे, 2 से 14 5 70, 50 बार में 50 × 100 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर यानी सबसे छोटी भुजा का माप हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2660 देखिए, फिर से वही इजी क्वेश्चन है, बस तुलना गुना करना है, 595 में कहता है वस्तु को 595 में 15% की हानि पर बेचिए, हानि मतलब 100 में घटा के तुलना करेंगे, 15 घटाएंगे 100 में 85, वस्तु का क्रय मूल्य तो 100 से छोटा करके काटना है, काट दो 17 5 85, 20 5 100, 17 से काटो 17 51 बच गया 8 पर 5 85 बच जाएगा, तो 17 5 85, 35 को 2 से गुना करेंगे, 35 × 70 आइए को सुना ही मिला, यानी कि फाइनली हम लोग का जो क्रय मूल्य होना चाहिए वो हो जाएगा कितना, 700 रुपया, ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2661 फिर से लासा मासा का क्वेश्चन, दो संख्याओं का लासा मासा 171 9 है, उनमें से पहली 9 है तो दूसरी तो 171 ही हो जाएगा, पहले भी बना चुका, क्यों, क्योंकि ये कंसेप्ट है जो बीबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में इस्तेमाल होते हैं, क्या कि पहली गुणे दूसरी बराबर एलसीएम गुना एचसीएम, मतलब कि दो संख्याओं के लासा मासा के गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के हमेशा बराबर होता है, तो यहाँ पहली दे लें 9, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, एलसीएम 171 है, एचसीएफ 9 है, 9 से 9 कट गया, दूसरी संख्या हो गया 171 ही आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन से मिला ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26-62, ये देखिए रूट वाला कैलकुलेशन है, रूट अंडर 56 माइनस एक्स, ठीक है, बराबर रूट अंडर है 74 और फिर प्लस में है रूट अंडर 49, ठीक है ना। तो ये रूट लास्ट वाला रूट निकालेंगे तो 7, इस 7 जब जुटेगा 74 में तो 81 हो जाएगा, 81 जब रूट से निकलेगा तो 9, बीच में बराबर है। अब यहाँ रूट अंडर बच गया 56 माइनस एक्स, ये रूट को खत्म करने का एक ही तरीका है, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, वर्ग कर सकते हैं, वर्ग करेंगे तो ये रूट खत्म, 56 माइनस एक्स, इधर 9 का स्क्वायर 81, एक्स उधर जाएगा प्लस में, एक सुधर जाएगा और 81 आके इधर घट जाएगा, यानी कि हम लोग का हो जाएगा x बराबर 56 माइनस 81, 56 माइनस 81 घटाइए, 56 में से 81 घटाएंगे ना तो 25 आएगा, 25 तो आएगा लेकिन माइनस में 25 आएगा, तो हम लोग का आंसर हो गया -25। ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26-63, उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजा, इसको तो मैं छोड़ देता हूं, 114 भुजा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, अब लिखिए दिया तो छोड़ने से फायदा नहीं है, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर, अब कर दीजिए √3/4 गुना भुजा 114 गुना 114 काट दीजिए, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64, जरा इसको सुधार लीजिए आप, क्वेश्चन हम लोग पीछे इस प्रकार का भी बनाए थे लेकिन इसमें ही गलती कर दिया लिखने में, मैं लिख रहा हूं 38 गुना 18 गुना 38 फिर गुना 18 पूरा को ब्रैकेट फिर भागा, भागा में फिर एक ब्रैकेट है मंझोली ब्रैकेट, फिर है 2, यहां पे ऐसे लिखना चाहिए इसको 2 √324, सिर्फ 324 रूट में है, भागा 2 और फिर इसका क्या किया है, ये स्क्वायर कर दिया है, ठीक है ना, मेन क्वेश्चन आपका यही है, क्लियर है, भागा 2 इसको पूरा का स्क्वायर कर दिया है, अब हम लोग को मान निकालना है तो काट देते हैं इसको, इसको क्या कर देते हैं कि ये वाला जो रूट से निकलेगा ये पूरा पर स्क्वायर होना चाहिए था, एक्चुअल में ये पूरा पर स्क्वायर होना चाहिए था, देखिए ये रूट से निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा 18, ठीक है, अब बटा 2, ये वाला 2 हो गया तो 2 से 2 कैंसिल, पूरा पर तो स्क्वायर है तो पूरा पर स्क्वायर रहना चाहिए, क्वेश्चन सुधार लेना, यही सही क्वेश्चन है, ठीक है, तो 18 का स्क्वायर तो बचा कितना, तो बोले सर 38 गुना 18 गुना 38 गुना 18 अभागा में बच गया 18 के स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं 18 गुना 18, तो 18 गुना 18 काट दीजिए बच गया सिर्फ 38, 38 का स्क्वायर आपको याद होगा 1444 होता है, 38 का स्क्वायर, ऑप्शन से मिला सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 265, जरा ध्यान से देखिए, औसत गति वाला क्वेश्चन पहले भी बताएं, फिर से आया क्वेश्चन में लेकिन छूट गया, इसको सुधारना पड़ेगा, फ्रैंकलिन दौड़ का पहला हिस्सा जो चला है 660 मील प्रति घंटा चला है, 660 मील प्रति घंटा, और दूसरा हिस्सा जो चला है वो चला है 990 मील प्रति घंटा, जो कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है लेकिन अक्षर में सुधारना आपको छूट गया है 990, तो पूछ रहा है इसका दोनों हिस्सों की औसत गति, तो जब ये जो पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा दे रहा है तो दोनों हिस्सा को बराबर मान लेना है, ठीक है ना, पहले भी बताएं, तो जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल x y से तय करें, तो पीछे भी आपको बताया हूं मैं कि औसत चाल या औसत गति जो भी बोलिए बराबर होता है 2xy/x + y, बस काटना है इसको 2 × 660 × 990/x + y, यानी 660 + 990 काट सकते हो आप, 2 × 660 × 990 और बटा इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 0 × 9 = 15 × 5 × 9 = 16, ये हो गया। अब जरा इसको काटते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 11 से काटेंगे इसको हम, तो 11 × 99 11 से ही 15 बार में कट जाएगा, 15 से काटेंगे तो 15 × 60 बच गया 6 × 15 = 60, फिर गुना करेंगे 44 × 2 कितना हो जाता है 88, 88 को 9 से गुना करेंगे 9 × 72 = 2 बचा 7, फिर 9 × 72 = 7 = 79, यानी कि हम लोग का जो औसत चाल होगा 792 माइल प्रति घंटा, 792 मील प्रति घंटा, ऑप्शन से मिला लीजिए आपका 65 का आंसर हो गया 792 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर देख लीजिए 26-66, सिंपल क्वेश्चन यह कह रहा है एक बक्से में
टोटल 120 साबुन है, जिसमें उपयोग हो गया है कै साबुन का, तो 54 साबुन का। तो बोला शेष कितना प्रतिशत साबुन बचा है, तो शेष का प्रतिशत निकालना है। तो टोटल पर प्रतिशत की गणना होती है, टोटल 120 नीचे घटाइए तो घट के बच गया कितना 66, ठीक है ना। तो 66% निकालना है, 100 से काटेंगे, 109 109 5 2 10 6 2 12 6 6 66 11 55 55, यानी कै परसेंट बच रहा है, तो 55% ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 67, जरा ध्यान दीजिए। एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज 12%, 5 वर्ष बाद ब्याज 62.40, तो निवेश की गई राशि, तो ब्याज 62.40 है और 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज, सिर्फ ब्याज बोले तो साधारण ब्याज होता है, तो 12% 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्याज की तुलना ब्याज से मूल राशि निकालना है, 100 से काटेंगे, 109 से 109, 6 से काटिए 6 का 6 बच गया, 2 तो 0 बार में, फिर 6 चौका 24, यानी 10 और 4 है, फिर उस पर 2 0 100 से गुणा करेंगे, फाइनली जो निवेशित राशि या मूल राशि या मूलधन जो हो जाएगा 10,400 रुपया होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 67, जरा ध्यान दीजिएगा, रेकरिंग वाला क्वेश्चन फिर आ गया। करा एक्स बराबर 2 3 6 6 6 ... है, तो एक्स का भिन्न के रूप में मान क्या हो, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बराबर 2 3 तो रहेगा, 6 अनंत तक जा रहा है, तो ये अनंत जो अशांत संख्या रहता है उसी को रोकने के लिए हम लोग रेकरिंग का प्रयोग करते हैं, यहाँ डैश या एक बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर तो पॉइंट ही है पॉइंट, तो जब ये पॉइंट हटेगा 0 पॉइंट या सिर्फ पॉइंट, तो पॉइंट हटेगा तो कई अंक पर रेकरिंग है, एक अंक पर चाहिए को नौ, दो को पर रेकरिंग नहीं है तो 2 को 0, जिस पर रेकरिंग नहीं है वो 23 घटेगा, तो 236 में से 23 घटाओ तो घटा दीजिए, तो बोले सर 6 में से 3 घटेगा 3, आइए बच गया क्या 3 में से, यानी कि हो गया 213 कर सकते हैं इसको, 213 अबटन 900, यदि कट रहा है तो काटिए, नहीं तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, भिन्न के रूप में 213/900 दिया हुआ भी है, ऑप्शन दिया हुआ हम लोग का 213/9, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 69, जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या 52.50 की धनराशि साधारण ब्याज पर 13% की वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए निवेशित की गई, ब्याज सहित प्राप्त होने वाले कुल राशि, मतलब एक तरीका से ये मूलधन दिया हुआ है, ब्याज सहित कुल राशि मतलब मिश्रधन पूछ रहा, तो बोले सर 13% है 4 वर्ष है, तो पहले तो ब्याज हो जाएगा 13 52, अब मिश्रधन निकालना है तो 152 हो जाएगा, काट दीजिए, तो काटते हम लोग 109 से 109 5 से 5 2 10, 5 से काटेंगे 5 1 5, बचेगा कितना ये बच गया 2 तो 0, 5 25 105 से, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 से 7 2 14 6 2 12, यानी हम लोग का आंसर हो गया 105 गुना 76, इसको गुना कर देते हैं, तो गुना करके यहां 5 निकाल दीजिए, 21 25 यहां से 38 2 76, उसके बाद 1 0 पहले दे दीजिए, उसके बाद में 21 का पढ़ दीजिए, 21 8 या 38 से 8 बचा 3, 38 2 76 3 79, फाइनली हम लोग का जो मिश्रधन प्राप्त होगा 79 80 होगा, ऑप्शन से मिला सकते हैं 79 80 दिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2670, देखिए फिर से वही क्वेश्चन जो पीछे बताया, एक दुकानदार ने 252 में खरीदी 315 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत, तो क्रय मूल 252, विक्रय मूल 315, जितना जल्दी यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, तो बोले सर लाभ हो रहा है हम लोग का 5 में से 2 गया 3 और 11 में से 5 घटेगा 6, ये तो आपका 63 लाभ हो रहा है, हमें लाभ प्रतिशत चाहिए, तो लाभ प्रतिशत लाभ बटा क्रय मूल गुना 100, काट दीजिए, 63 से ही 4 बार में कट रहा है, 4 से 25 बार में कट रहा है, कई परसेंट लाभ हो गया 25%, ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2671, फिर से आ गया आपका लाइन ग्राफ वाला क्वेश्चन, डबल लाइन ग्राफ दिया हुआ, एक्स वाई का मान अलग नीचे भी लिखा हुआ है, तो वही 2001 से 2006 वाला, बोला कंपनी एक्स और कंपनी वाई के बीच उत्पादन का अंतर दिए गए वर्षों में किस वर्ष सबसे कम था, सबसे कम अंतर किस वर्ष का था, तो बोले सर ये तो ग्राफ से ही पता चल रहा है, ऐसे भी ग्राफ भी देख लीजिए, सबसे कम डिस्टेंस ये 2004 वाला लग रहा है, 71 और 85, 2004 ही होना चाहिए, 2004 में सबसे कम अंतर है 71 और 85 है, 85 है और 71 है, यही दोनों का अंतर सबसे कम है, अंतर कितना का है, तो बोले सर ये अंतर तो हम लोग का 14 का लग रहा है, 14 का, बाकी जितना भी है
सब में हम लोग का अंतर हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा अगर आपसे भी पता चल रहा है तो। एक्चुअल में हम लोग का आंसर होना चाहिए 2004 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीछे भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन बनाए थे, एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज फिगर बनाना कोई जरूरी नहीं, सिर्फ समझने के लिए, जिसका विकर्ण क्रमशः दो विकर्ण दिया हुआ है 109 110। चलो बड़ा वाला का 110 छोटा वाला का 109 मान लेते हैं। इसका क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल हम लोग पहले जानते हैं 1/2 गुना d1 गुना d2। अब मान रख दो भाई और गुना कर लो, 1/2 गुना 110 और गुना 109, 2 से 110 काट दीजिए उसके बाद गुना कर दीजिए, जो आंसर आएगा ऑप्शन दिए हुआ मिला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26-73 देख लीजिए। करा एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में दो भागों में विभाजित किया गया, पहला भाग है 300। रेशियो का बहुत आसान क्वेश्चन, यहाँ पहला भाग 6 है, निकालना है पूरा योग, तो 6 × 5 = 11 से 6 × 5 = 30, 11 × 5 = 55 और 1 = 0, हम लोग का आंसर हो गया 550 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी संख्या के, पीछे भी बता चुके हैं किसी संख्या के, तो कोई संख्या पी मान लीजिए 80%, तो भिन्न के रूप में 80% को कितना लिख सकते हैं 4/5। के 75%, के मतलब फिर गुना, 75% लिख सकते हैं 3/4। फिर के 66.67%, 6-7% को लिख सकते हैं 2/3 गुना होता है तो 2/3। और का 25%, तो 25% को लिख सकते हैं 1/4, इसका मान दिया हुआ 63/67, तो पूछ रहा है उसका 40% क्या हो, तो पहले पी निकाल लेते हैं, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 × 4 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 6 गुना होगा, पी का मान हो गया 63/67 पर 0, 10 से गुना। यदि संख्या पूछेगा तो आंसर यही हो जाएगा, लेकिन पूछ रहा है जो संख्या आप लाए हैं ये वाला, इसका 40%, तो 40% निकालिए, परसेंट काटेंगे बटन सो जाएगा, 1 0 1 0 काट दो, 0 0 खत्म, 4 का 7 28 के 8 बचा दो, 4 6 24 2 26 6 बचा दो, 4 3 12 2 14 4 बचा 1, 6 6 24 1 25। फाइनली हम लोग का आंसर आ जाएगा 25468, ऑप्शन से मिला सकते हैं 25468 है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2675 ध्यान दीजिएगा। एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 700 से बढ़कर, देखिए 700 था, बढ़ के हो गया 875, कितना वृद्धि हुआ, 175 वृद्धि हुआ, तो बोल रहा है क्या, कितना प्रतिशत कमी की जाए कि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च ना बढ़े, तो खर्च ना बढ़े तो कमी तो फिर उतने करना पड़ेगा 175 ही, लेकिन अब कमी करना पड़ेगा 875 से, परसेंट के लिए 100 से गुना काट दो, तो काटेंगे हम लोग 25 से, तो 25 से 7 बार में आई, 25 से कई बार में, तो 25 से कर जाएगा 35 बार में, फिर 7 से कई बार में 5 बार में, 20 × 25 = 100, यानी कई परसेंट पुनः कमी करना पड़ेगा तो 20%, ऑप्शन से मिला सकते हैं 20% दिया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2676 देखिएगा जरा ध्यान से। करायत की चौड़ाई 245 सेंटीमीटर है, ये देखिए एक आयत है, चौड़ाई वाला दिया हुआ 245 सेंटीमीटर, जो भी सेंटीमीटर, विकर्ण है 637, ऐसा क्वेश्चन पीछे मिल चुका है। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो बोल रहा है कि उसका परिमाप ज्ञात करें, हम सभी को पता है बचपन से 7-8 क्लास से पढ़ा है, परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई तो ये है, और लंबाई कितना, तो बोले सर कर्ण है और ये लंब है, आधार निकाला रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × इसको लिख सकते हैं 5, तो 5 से इसको भागा देते हैं, 5 × 20 49 तो निश्चित रूप से 49 × 13 ही लिखाएगा, ठीक है, अतः वाला कितना लिखाएगा 49 × 12, देखिए 5 5 12 13 पर टूट गए, तो ये पता चल गया 49 × 12 तो कितना हो रहा है 12 × 9 108 + 8 = 10, 12 × 48 और 10 = 58, 588 हो गया लंबाई। हम लोग से परिमाप पूछ रहा है 2 × 588 और प्लस बी कितना है 245 बराबर 2 × 8 × 5 = 13 बचा 1, 8 × 4 = 13 बचा 1, 5 × 2 = 7 और 1 = 8, 2 से गुना करेंगे 2 × 3 = 6 फिर 2 × 3 = 6 फिर 8 × 2 = 16, फाइनली जो हम लोग का आंसर आएगा वो आ जाएगा परिमाप 1666, ऑप्शन से मिला लीजिए 1666 दिया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2677 जरा ध्यान दीजिएगा।
2677 का था राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत 112 केजी, कोच को शामिल करने पर 1 केजी बढ़ जाता है। पहले भी कई बार बता चुके हैं कि कोच को शामिल करने से पहले से 11 खिलाड़ी है, एगो कोच शामिल हुआ तो कुल मिला के कई खिलाड़ी बन गया 12, मतलब व्यक्ति 12 बन गया, सो शामिल होने से वृद्धि हो। तो एग्री में पढ़ना जब किसी नए व्यक्ति को शामिल होने से वृद्धि हो तो आने वाला पहला औसत से अधिक होगा, पहले वाला औसत 112 इससे अधिक, कितना अधिक, तो एगो में 1 केजी 12 को है तो 1 × 12 = 12 यानी 124, यानी कि जोड़ के कितना हो जाएगा 124, यानी कोच का जो वजन हो गया वो हो जाएगा 124 केजी। ऑप्शन से मिला सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2678 देखिए, कह रहा है एक धातु के टुकड़े का मूल्य 420 से बढ़कर 504 हो गया। देख लीजिए 420 था बढ़ के 504 हो गया, बोला कि इतने परसेंट वृद्धि हुई, तो देखिए कितना 84 के वृद्धि हो गया, और नीचे कितना है 420, क्योंकि वृद्धि तो 420 से ही हुआ तो परसेंट निकालना है 100 से, काट दो 100 से 100 = 42 × 84 2 × 10 = 20%। फाइनली जो वृद्धि हुआ है 20% हुआ है, ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2679 देखिए, 7 संख्याओं का औसत 55 है, उनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत अपरिवर्तित मतलब नहीं बदलता, 55 ही रहता, तो 7 संख्याओं का औसत 155 है, एगो निकालिए तो बचा का एगो 6 तो भी औसत नहीं बदलता 155 है, तो जो एगो निकाले वो कितना होगा, तो ये भी 155 हो जाएगा क्योंकि बदला ही नहीं है, तो 155 को ही आप निकाले हो क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर, आंसर हो गया। दूसरा तरीका है कि 7 × 155 में 6 × 155 घटा दीजिए, बचेगा तो 155 ही, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 155, ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2680 देखिएगा, फिर से डायग्राम वाला, x/y 2001 से यहाँ पे 2008 गलती से लिखा गया है, 2006 तक का ही दिया हुआ है, सबका x और y का मान नीचे टेबल में भी दर्शाया गया है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन में अंतर क्या है, मतलब x वाला और y वाला अलग अलग जोड़ दीजिए फिर अंतर कर लीजिए, पीछे भी बताए थे, तो करना क्या है x वाला जोड़ दीजिए 46 है, फिर 50 है, फिर 58 है, फिर 71 है, फिर आपका 36 है, और 2006 में फिर 43 है, इसको जोड़ देंगे, फिर y वाला को जोड़ देंगे 90 है प्लस 76 है प्लस 86 है फिर 85 है फिर 75 है और फिर 80 है, इसको जोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, जितना आएगा उसका अंतर कर दीजिए, हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर है, बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2681 कहता है 2854 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, 2854 9 से विभाजित कर दीजिए, 9 × 27 बचा 1 तो 15, फिर 9 × 9 बचा 6 तो 9 × 63 = 63 बचा कितना 1, फाइनली हम लोग का शेषफल कितना बचेगा 1, ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2682 देखिए, फिर से आ गया 10% है वार्षिक दर से 2 वर्ष का, कह रहा है 17,800 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाला राशि, तो 17,800 रुपया है मतलब ये मूल राशि है, इसकी तुलना 100 से, अब हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त होने वाला राशि मतलब मूल मिश्रधन पूछ रहा है, तो 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI तो 21 होता है, क्योंकि CI जो होता है 2 वर्ष का वो होता है 2R + R² / 100, पहले भी मैं बता चुका हूं, तो × 121 काट सकते हैं हम लोग, अब 200 से 200 काट दीजिए, उसके बाद हम लोग गुना करेंगे 178 और × 121 गुना आपको कर लेना है, कैलकुलेशन में आप इसको इग्नोर नहीं करना है, गुना करिए ऑप्शन से मिला लीजिएगा, ऐसे तो आठ सबके अंतिम दो ऑप्शन के अंतिम दिया बी होगा या सी होगा, गुना करके आंसर मार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2683 देख लीजिए, रूट वाला क्वेश्चन है, पहले भी मैं बता चुका हूँ बहुत सारा क्वेश्चन, इग्नोर नहीं करना है, 2221 प्लस √7 प्लस फिर √66 प्लस फिर √225, अब जरा देख लीजिए 225 का वर्गमूल असवला में आप देख रहे हैं अंतिम वाला का वर्गमूल जरूर प्राप्त हो रहा है 15, इसको जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 81 का वर्गमूल 9 × 9 = 16 का वर्गमूल 4, जब 4 जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 1225 का वर्गमूल 35, फाइनली लास्ट में हम लोग का आंसर आ गया 35, ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2684 जरा ध्यान देना है, किताब का अंकित मूल्य 49 रुपया है, देखिए अंकित मूल्य वाला क्वेश्चन है, एक किताब का अंकित मूल्य कितना है 49 रुपया है, चलो भाई 49 10% की छूट देता है, मैं आपको पहले भी बता चुका था कि ध्यान दीजिए यहाँ पे
छूट, कोई भी राशि अपने आप में 100% छूट को घटाइए तो क्रय मूल्य बन जाता है, और लाभ को जोड़िएगा तो वो अंकित मूल्य बन जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया है, लाभ हानि का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध में। तो यहाँ पे 4900 अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य है तो लाभ को जोड़ के तो 20% लाभ, तो 120 से निकालना है क्रय मूल्य, तो छूट घटाएंगे 10% छूट है, काटिए काटेंगे तो 30 से ही तीन बार में 30 से ही चार बार, चार से काट देते हैं, चार एक चार, नौ बच गया, चार दुनिया आठ बच गया, एक चार दुनिया आठ, चार पच्चीस 20, गुना करेंगे 12 दिया 3600, 25 दिया 75, फाइनली हम लोग का जो क्रय मूल्य आएगा 3675 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2685, बहुत ही इजी क्वेश्चन, छोटा सा कैलकुलेशन है, पहले भाग वाला काम करेंगे, पहले ब्रैकेट वाला काम करके, पहले भी क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, इग्नोर नहीं करना, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2686, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपसे भी बन गया होगा, कह रहा है ट्रेन 69 मीटर प्रति सेकंड चाल दिया हुआ है से गति से एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करता है, ठीक है ना, तो बोल रहा है ट्रेन की लंबाई, हम सभी जानते हैं जब सिग्नल को पार करे, व्यक्ति को पार करे, पोल को पार करे, साइन बोर्ड को पार करे, तो ट्रेन की लंबाई दूरी होता है, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो चाल गुना समय, तो चाल हो गया 69 गुना समय हो गया 12, 12 गुना 69 कर दीजिए, 12 9 108 के 8 बचा 10, बचक 72 और 10 82, फाइनली हम लोग का आंसर होना चाहिए 828 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2627, देख लीजिए फिर से ट्रेन का ही क्वेश्चन आ गया, पीछे कितना बार बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से एक क्वेश्चन ये पूछेगा, कह रहा है ट्रेन को 473 मीटर लंबे पुल को पार करता है एक ट्रेन, तो कह रहा है पुल को पार कर सकता है स्थित सिग्नल को पार करने में, तो पुल पर जो सिग्नल है इसको पार करने में ले रहा है कई सेकंड, 45 सेकंड, लेकिन पुल को जब पार कर रहा है तो कितना सेकंड ले रहा है, 88 सेकंड, 45 सेकंड 88 सेकंड, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, सिंपल बात है, सिग्नल को पार करना मतलब अपनी लंबाई को 45 सेकंड में, लेकिन जैसे ही पुल बढ़ा कितना बढ़ गया 473 है यहां पे 473 मीटर, जिसके कारण समय बढ़ गया 45 से यहां 88, तो बोले सर 43 सेकंड बढ़ गया, कै सेकंड बढ़ गया 43 सेकंड, बढ़ा क्यों, तो बोले सर पुल के कारण, पुल के कारण, इसका मतलब यहां से आप चाल निकाल सकते हैं, चाल निकल जाएगा 473 बटा 43, 43 से कहें 43 बच गया 4, 43 से कहें 43 11 मीटर प्रति सेकंड, यदि चाल पूछता तो यही आंसर हो जाता, नहीं पूछ रहा ट्रेन की लंबाई, तो अभी पीछे बताए थे कि सिग्नल को पार करने वाला समय से गुना कर देंगे, लंबाई में ना होता है दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल है 11, समय आपके पास 2 को है 45 सेकंड 88 सेकंड, लेकिन 88 से गुना करिए तो आपको 473 घटाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट करिए 45 से गुना करिए 11 55 5 5 44 और 5 49, फाइनली ट्रेन का लंबाई 495 मीटर, ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2688 देख लीजिए, एक दुकानदार ने एक वस्तु, फिर से वही क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला इजी क्वेश्चन, खरीदा कितना में, तो 435 में, और बेच कितना में रहा है, तो बेच रहा है 348 में, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो हानि प्रतिशत बराबर हम सभी जान रहे हैं हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100 होता है, तो हानि कितना का हुआ, तो बोले सर घटाइए ना पता चल जाएगा, ये हो गया 5 है, 15 में से 8 घटेगा 7, ये बच गया 2, तो 12 में 4 घटेगा 8, यानी 87 रुपया का हानि हुआ है, तो 87 बटा 435 गुना 100, 87 से आप काटिएगा ना तो ये 5 बार में कट जाएगा, काट के देख सकते हो, 5 से काटिएगा 20%, यानी हानि का परसेंट हुआ तो 20%, ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2689 देख लीजिए, पीछे भी बना चुका हूं, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के भुजा बराबर होता है हम सब जानते हैं, और इसका भुजा 108 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो सब 108 सेंटीमीटर हो गया, अब समबाहु त्रिभुज जैसे ही आया तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊंचाई, तो क्षेत्रफल हम लोग से पूछ रहे हैं कि क्षेत्रफल ज्ञात करें, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो √3/4 गुना भुजा है 108 का स्क्वायर, 108 गुना 108, 4 से काट दो 27 चौके 108, गुना कर दो तो गुना करेंगे तो 27 गुना 8 216 होता है, 216 के 6 बचा कितना 21, फिर 27 को 10 27 270 और 21 हो जाएगा 291 और √3 यानी 29 16
रूट थ्री होना चाहिए, ऑप्शन से मिला सकते हैं, 2916 रूट थ्री दिया हुआ है, हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2690 कहता है प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मली को चार परीक्षाओं, पीछे भी मैं बताया हूं चार परीक्षाओं में 75 का स्कोर चाहिए, तो 75 चार परीक्षाओं में चाहिए, तो पूरा कितना हो गया 300, 75 × 4। अब कह रहा है जिसमें से पहले तीन परीक्षाओं में उसका दिया हुआ है कितना है, 72 है, पहला 67 है, फिर 64 है, तो बोला चौथ प्रतियोगिता में सफल होने के लिए चौथी में कितना रहना चाहिए। तो आप पहले भी देख चुके हैं बहुत सारा क्वेश्चन, बोले सर चारों के योग में तीनों का योग घटा दीजिए, तो घटा सकते हो 2, 8, 10, 4, 14 के 4 बचा, एक साथ 1, 8, 6, 14, 6, 20, 204, 300 में 204 घटाएंगे तो कितना बचेगा 96, यानी चौथी जो परीक्षा होगा उसमें उसको 96 अंक प्राप्त करना होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2691 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन, एक किताब का अंकित मूल, फिर से वही वाला छूट वाला, कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है, यदि हम छूट घटाते हैं तो वो क्रय मूल्य बन जाता है और लाभ को जोड़ते हैं तो अंकित मूल्य, सबसे हॉट ट्रिक यही है, किताब से बनाइएगा बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये बन जाता है अंकित मूल्य। बस अब क्या करना है, अंकित मूल्य दिया हुआ आपका कितना दिया हुआ 4600, तो कई परसेंट लाभ है 20%, तो 120 से आप पूछ क्या रहा है क्रय मूल्य, तो 10% छूट है, तो 90 से 30 दिया 90, 30 × 120, 4 से इसको काट रहे हैं, 4 × 4, 4 × 4, 2, 20 हो गया, 4 × 5, 20, ठीक है ना, 1 0 बच जाएगा, 1150 को गुना करें तो 1 0, उसके बाद देखिए 345 हो जाएगा इधर, यानी फाइनली जो हम लोग का क्रय मूल्य हो जाना चाहिए 3450 हो जाना चाहिए, गुना कर सकते हैं किसी भी तरीका से, आप ऑप्शन से मिलाइए 3450 दिया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2692 देखिए, कह रहा है 5100 की राशि साधारण ब्याज पर 13% के वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश के लिए मिश्रधन के रूप में प्राप्त होने वाली राशि, फिर से पीछे भी ऐसा क्वेश्चन देखिए मिश्रधन, तो यहाँ देख लीजिए 13% है साधारण ब्याज से 4 वर्ष, तो साधारण ब्याज दर गुना समय होता है, तो 13 × 52, क्लियर है, 52 है, तो यहाँ पे जो राशि दिया हुआ है वो 5100 है, तो 5100 मूलधन है, मूलधन की तुलना 100 से और निकालना है पूरे मिश्रधन, तो 152 से काट दीजिए, काट के गुना करिए आंसर आएगा, देख लीजिए यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 200 × 200, अब गुना कर दिए 152 और गुना 51, 51 × 2 = 102 बचा 10, 51 को 5 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 255 और 10 × 265 = 5 बच गया 26, फिर 51 और 26 करना हो जाएगा 77, 52, किसी भी तरीका से आप गुना कर सकते हैं, फाइनली हम लोग का जो आंसर हो गया 77, 52, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2693 बहुत इजी कैलकुलेशन है, पीछे भी आपको मैं बता चुका हूं क्या है 19 × 30 × 19 × 30 फिर से है, पूरे में भागा है, ठीक है, क्या है 2 × √ है 900, तो यहां पे ना ये गलती से फिर से भागा दे दिया, ये भागा 2 इसमें होगा और पूरे का ये स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर ये पूरा में हो जाना चाहिए, पूरे पर ये स्क्वायर होगा, इस पर भी स्क्वायर होगा, ये 2 पर भी, तो ये 2 × √ से बाहर निकले 30 / 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां बच गया 19 × 30 × 19 × 30 अब भागा भागा 30 मतलब 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर में 30 × 30, तो फाइनली 30 30 30 30 कैंसिल, तो बच गया 19 × 19 19 × 19 कितना होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, ऑप्शन से मिला सकते हैं हम लोग, 361 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2694 देखिए, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में बांटा, रेशियो का इजी क्वेश्चन, पहला भाग है 282, हाँ पहला भाग 6, पूछ रहा है कुल राशि, कुल मतलब 6 × 5 = 11 काटो, 6 × 6 = 24 बच गया 4 × 4 = 2 = 42 6 × 7 = 42 अभी 11 × 11 = 77 के साथ बचा 7 × 11 = 44 और 7 हो जाएगा 51, फाइनली हम लोग का कुल राशि हो जाएगा 517, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2695 जरा देख लीजिए, कारण निम्नलिखित में से कौन सा क्या 15 से विभाज है, पीछे भी बताया विभाजक नियम, 15 से वही विभाज होगा जो 5 और 3 से, 5 से विभाजता का नियम है क्या है, तो जिसका अंतिम एक अंक 5 हो, अंतिम एक अंक 5 या 0 हो, और 3 से विभाजता का नियम,
तो अंकों का योग तीन से कट जाए, अंकों का योग तीन से कटे, यही होता है विभाषा नियम पहले से एग्जाम में या बचपन से। तो बोले सर अंतिम में पांच तो सबके है, तो कन्फर्म है पांच तो सबसे, पांच से तो सब ऑप्शन कट रहा है, तो निश्चित है तीन से एक के वो कटेगा जब ऐसा पूछ रहा है। तो देखिए कौन ऑप्शन करता है, पहला ऑप्शन, ऑप्शन मिलाइए, सात चार ग्यारह अंकों का योग जुड़े, सात चार ग्यारह, ग्यारह तीन चौदह, चौदह दस चौबीस, पहला ऑप्शन ही तो आ रहा है, सात चार तीन पांच, पांच पांच पर दस, तीन तेरह, तेरह और चार सत्रह, सत्रह और सत्ताईस कितना हो जाएगा चौबीस, जो कि तीन से कटता है और ये पांच से कट गया रहा, यानी मिला के पंद्रह से कटेगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 छियानवे, फिर से वही एवरेज का क्वेश्चन, राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 109 है। चलो भाई 109 पहले से, 11 खिलाड़ी है, वो कोच शामिल हुआ तो आदमी हो गया 12 को, तो बोल रहा है कि कोच का वजन क्या है, कोच को शामिल होने से वृद्धि हो गया है, तो जब किसी नए व्यक्ति को शामिल होने से वृद्धि तो वो पहले वाला औसत से अधिक होता है 109 प्लस, औसत मतलब सब में बराबर वृद्धि, एक में एक की वृद्धि तो 12 गो में, तो 12 गो में एक 12 की वृद्धि, तो 109 और 12 जोड़िएगा तो 121 केजी, यानी कोच का जो वजन हो गया 121 केजी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 97, देख लीजिए 10% वार्षिक दर से दो वर्ष है के लिए 17,500 की राशि पर मिश्रधन प्राप्त करना, होने वाली राशि का मिश्रधन क्या है, तो 17,500 रुपया मूलधन हो गया, इसकी तुलना 100 से, यहाँ पे डायरेक्ट ब्याज का नाम नहीं बोला है लेकिन एक्चुअल में गलत है, यहाँ पे सीआई बोलना चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि क्वेश्चन टाइप करते समय छूट गया, ऐसा क्वेश्चन आपको पीछे मिला था, यहाँ पे आप सुधार दीजिए, सीआई से ही पूछ रहा है, तो सीआई तो आपको पहले बता दिया है, 2R + R² = 100 होता है, तो 10% वार्षिक दर से दो वर्ष का 21 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमें मिश्रधन ज्ञात करना है, तो मिश्रधन हो जाएगा 121, काट देता हूं 200 121 और गुना 175 आपको कर लेना है, अंतिम में पांच तो सब ऑप्शन में दे रहा है, 175 गुना 121 आप कर लीजिए, यदि ज्यादा छोटा आपको करना मुश्किल रहा तो इसको 25 और गुना 7 में तोड़ दीजिए, अब तो जीबी में आप कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह से इसे गुना करेंगे, ऑप्शन से मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 98, देख लीजिए फिर से वही क्वेश्चन है, किसी संख्या के 80% 75% 66.67% 25% का मान दिया हुआ है और उसका 40% पूछ रहा है, तो संख्या हम पी मान लेते हैं, पी का 80% हम सभी जानते हैं, इसको हम 4/5 लिख सकते हैं, फिर जितना है उसका 75% को 3/4 लिख सकते हैं, फिर 66.67% को कितना 2/3 लिख सकते हैं, और फिर 25% को 1/4, और तब जाके अंत में जो राशि है वो कितना है, तो बोल रहा है कि वो राशि है 63/61, तो उसका 40% क्या है, तो पहले राशि निकाल लीजिए, 4 से 4, 3 से 3, 2 × 4, 5 × 10, ये 10 गुना होगा, तो पी का मान हो जाएगा 63/61 0, यदि पी का मान पूछता, संख्या पूछता, राशि पूछता, तो आंसर हो गया, पूछ रहा है इसका 40%, तो इसका 40% निकाल दीजिए, परसेंट काटेंगे बटा में 100, 100 से 10, यही बोला 10, 4 से गुना करिए, 4 × 6 = 24, 4 × 2 = 2, 4 × 3 = 14, 4 × 1 = 6 × 24 = 25, फाइनली हम लोग का आंसर होना चाहिए 40% निकाला 25,444, ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 99, देख लीजिए फिर से आपका एक धातु के टुकड़े की कीमत 405 से बढ़कर कितना हो गया है, तो बोला 486 हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, तो बोलिया कि सर 405 से बढ़कर 486 81 वृद्धि हो गया, तो वृद्धि प्रतिशत की गणना प्रारंभ से ही किया जाएगा, 81 ऊपर 405 नीचे, परसेंट निकालना है 100 से, 81 से 5 बार में तो कट ही रहा है, देखिए आपका 40 कर रहा है, 5 से 20 बार में फाइनली जो वृद्धि हुआ कै परसेंट हुआ 20%, ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2700 और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, एक्स का मान फिर से देखने वाला, कह रहा है क्या 0.724444 अनंत तक, ठीक है ना, जब अनंत है तो जय को दीजिए, ठीक है ना, अब इस ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, तो x बराबर 0.724 पर रेकरिंग दे सकते हैं हम, ऐसे पॉइंट दीजिए या डैश दीजिए, इसी को रेकरिंग कहते हैं, जब अशांत संख्या में दशमलव को बार बार एक ही राशि दोहराए उसको रोकने के लिए रेकरिंग का प्रयोग करते हैं, अभी पॉइंट कटेगा तो जिस पर रेकरिंग है उसके बदले ना हो, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले सुनना, तो दो अंक, और जिस पर रेकरिंग नहीं है वो घटेगा भी, तो घटाएंगे अब 4 में से 2 घटेगा 2, ये बच गया
दो होता है, चलेगा 12 में 7 घटेगा 5 और ये करना बचेगा 6, यानी 652 और बटा 900। अब 652 बटा 900 होगा या इसी को काटेंगे, लेकिन 652 बटा 900 ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन दिया है तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, मैं पूरा प्रयास किया हूं कि कम से कम समय में आपका जल्द से जल्द खत्म किया जाए और लगभग ये समाप्ति हो गया 2700, लास्ट में 22 को सनाव बच रहा है जिसका एक अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा और उसी वीडियो में हम लोग डिस्कशन भी कर लेंगे कि इसके बाद कौन सा बुक पढ़ना और उस बुक को जल्दी खत्म करने का प्लान क्या होगा। जैसे कि 3200 आपको पढ़ाएंगे और 2500 का रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे ताकि मैथ रीजनिंग का 60 में 60 प्रॉब्लम आप एनटीपीसी में बना के आए। अच्छा लगा, जितने आपके स्टडी ग्रुप दोस्त हैं सबको प्लीज शेयर करिए और ज्यादा से यदि आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन लगातार पहुंचता रहे। वीडियो तक देखने के लिए धन्यवाद।